साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको नित्य प्रति किसी न किसी श्रद्धालुओं से चित्रकूट धाम से संबंधित या उनसे संबंधित कि चित्रकूट धाम वो कब से आ रहे हैं, क्या आस्था है उनकी, उसी विचारधारा के साथ हम अपने चैनल देवानंद गुरु जी चित्रकूट के माध्यम से आज बात करेंगे। अरुणेंद्र प्रताप सिंह जी हैं और उनके जो मित्र हैं जिनका मैं अमुक नाम नहीं जानता, उनको भी जय जय सिया राम। और मैं चाहूँगा कि सभी से मैं क्रमबद्ध थोड़ा थोड़ा चर्चा करूँगा कि रामघाट जैसे आज चित्रकूट आपका आने का क्या मतलब कोई आस्था है या जैसे परंपरागत आ रहे हैं, क्या विचारधाराएं हैं अभी, मतलब किस कारण से? कई बार से आ रहे हैं और हमारी आस्था भी है ईश्वर के प्रति। दूसरे हमने यहाँ पर आकर के हमको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जीवन में आने वाले संघर्षों और कठिनाइयों से कैसे हमको उसको निवारण करना है और जीवन में संतुलन बना करके हर परिस्थिति में समभाव रहते हुए आगे की सीख जीवन की मिलती है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपना वनवासी जीवन यहाँ काटा था और उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों में भी विचलित ना होते हुए जीवन को संतुलित तरीके से जीने के एक संदेश दिया है। क्या तो हम सब जो है कामतानाथ बाबा के दर्शन करके अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से उनके संघर्ष में समभाव से रहने की कामना करते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा आनंद आता है, बहुत ऊर्जा मिलती है हमको और जीवन के प्रति बहुत अच्छा आकर्षण जो है होता है हमको यहाँ आकर के। जय कामतानाथ बाबा। तो क्या कभी पिताजी लोग भी चित्रकूट धाम आए या आपने ही आना प्रारंभ किया? नहीं, अनवरत हम लोगों के यहाँ जब से हमने जन्म लिया है अपनी शुभ सवारी, हमारे परिवार के लोग भी आते रहे हैं, हमारे रिश्तेदार मित्रगण भी आते हैं और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं समूह में अपने नए नए मित्रों को लाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लाते हैं, नए अपने युवाओं को लाते हैं और उनको बताते हैं यहाँ के बारे में कि कैसे कामतानाथ बाबा का जो है महत्व है और उनकी विशेषता है और वहाँ स्थान पर जाने से हमको जो है एक ऊर्जा की अनुभूत होती है, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे विषम परिस्थितियों में लड़ने की ताकत मिलती है। इस प्रकार से हम लोग कामतानाथ बाबा के दरबार में हमेशा आते हैं और मत्था टेकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा है। और मैं आपके साथ और भी बहुत सारे लोग मित्र हैं उनका भी जो है, आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा और चौहान। आप भी अपना कुछ विचार, कुछ ऐसी विचारधारा जो कामतानाथ जी या चित्रकूट धाम से आपका लगाव बना या आस्था है या कोई मतलब संकल्प है, कुछ भी विचारधारा जो भी हो थोड़ा सा बताएं। भैया हम यहाँ 2013 से आ रहे हैं, 2013 में हमने PhD यहाँ से शुरू की थी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से। जी जी जी। तो 6 महीने यहाँ अनवरत रहे जी और बराबर 6 महीने परिक्रमा लगाई कामतानाथ मंदिर की और तब से इतना जुड़ाव हो गया कि बराबर तब से तब जब कब अनायास ही प्रोग्राम बन जाता है और मित्र लोगों के साथ आ जाते हैं यहाँ दर्शन करने के। अच्छा, कोई आस्था यानी कि आपका मतलब पहले से थे इसलिए आपका लगातार। अच्छा, कामतानाथ जी महाराज कहते हैं कल मतलब कुछ ऐसा कभी जीवन में अनुभव भगवान श्री कामतानाथ जी का या कोई मतलब एक हमारे श्रद्धालुओं को भी, क्योंकि एक आस्था जब हमारी कहते हैं ना कुछ उत्पन्न करती है तो हमें और जोड़ती है, उस पर कुछ बिंदु आप रखेंगे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस भाव है आपका। भाव है, आ जाते हैं अपना दर्शन करते हैं, दर्शन करके अपना चले जाते हैं। बहुत अच्छा है जी। आप अपना सुन। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं जो है साथियों के साथ पहली बार मेरा आगमन हुआ है यहाँ पे। जी जी। और भगवान के श्री चरण जहाँ जहाँ भी पड़े हैं जी, वो कणकण जो है भगवान के नाम से प्रेरणा स्रोत है उनका और प्रसिद्ध। चलिए, तो प्रथम बार आप भले ही चित्रकूट धाम आए हैं पर चित्रकूट में आपको कैसा लगा? अगर आत्मिक रूप से अगर कहें तो उसका जो आनंद है, आत्मिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, उसकी अनुभूति जिस प्रकार से गंगा व्यक्ति किसी चीज को खाता है, मिठाई खाता है, उसका बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भगवान के श्री चरणों या उनके पदार बिंदु का वर्णन हम अपने मुख से साधारण मुख से नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है। और पुनः चित्रकूट धाम आप आते रहिए और परिवार को लाइए। आपका शुभ नाम जानूंगा और आपसे थोड़ा विस्तारित। मेरा नाम विक्रांत सिंह है और मैं इस बार दूसरी बार आया हूँ मित्रों के साथ में। भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण जो है वो अलग ही प्रतीत होता है। हम लोग यहाँ जब भी आते हैं, दूसरी बार, पहली बार भी आए थे और जब दूसरी बार भी आए हैं तो आनंद दोगुना होता जा रहा है। और आज तो आरती में जब शामिल हुए तो आरती का तो और ही आनंद रहा। अच्छा, आत्मिक आनंद आरती में। और अभी अच्छा पहली बार ही आप लोग शामिल हुए हैं? हाँ, आरती में हम लोग पहली बार। अच्छा अच्छा, कुछ जैसे स्वच्छता को लेकर के क्या स्थिति है चित्रकूट की, एक अनुभव? नहीं, पिछली बार से बहुत बेहतर है और हम जिस प्रकार से यहाँ प्रशासन कार्य कर रहा है और यहाँ के लोग ध्यान दे रहे हैं
बहुत अच्छा कार्य धीरे धीरे होने वाला। चलिए बहुत अच्छा है। वैसे कहते हैं कि कामतानाथ जी महाराज की यहाँ जो चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसका हमेशा कल्याण ही करते हैं, तो आप सबका भगवान कामतानाथ जी कल्याण करें। और ये जो परिवार बढ़ा है आज हमारा 5 लोगों का फिर से, उसके लिए भी हम आप सबको और एक परिवार की भांति ही मैं चाहूँगा जब भी आइए चित्रकूट धाम उसे जरूर मिलिए, मैं यहीं आपको मिलूँगा। लेकिन ये जो विचारधारा है, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा जब लोगों पे जाती है तो उनका आने का एक आस्था, जैसे बहुत सारे लोग खाटू श्याम जाते हैं आपने देखा होगा, हमारे लोकल के शायद जो लोग होंगे जो अपने अपने यहाँ पर जो चित्रकूट फतेहपुर ये सब पूरा बेल्ट आप ले लीजिए तो शायद भगवान कामतानाथ जी के ही शरण में लोग आते हैं, और यदि नहीं आ पाते हैं मुझे लगता है तो शायद वर्ष में तो एक बार जरूर आते हैं, है ना। तो हम लोगों को सनातनियों को या कोई भी विचारधारा जो भी हम, अब मैं मानता हूँ कि अगर कामतानाथ जी में किसी भी प्रकार का संकल्प कर लिया जाए तो पूर्ण होता है, क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा तो मैंने कहा किसी का संकल्प तो नहीं था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जरूरी है, अगर किसी का संकल्प हो तो जरूर बताएं कि हमने कोई संकल्प किया कामताना जी। हमारा लोगों का कोई ऐसा संकल्प दर्शनार्थ केवल दर्शन के उद्देश्य से आए, जहाँ श्री राम जी के चरण पड़े हैं हम लोग बार बार वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं, बारंबार पहुँचने का प्रयास करते हैं, इसे संकल्प नहीं लेकर के ईश्वर की अनुभूत मन में हो जाए इसी कामना के साथ जो है हम लोगों की यात्रा अनवरत साल दर साल जारी है। चलिए एक बार जयकारा लगवाएंगे। तो साथियों जैसा कि आप सब ने आप सब लोगों का विचार देखा और कामतानाथ जी महाराज से सबका जो लगाव है जो प्रेम है और गंगा मैया के पावन तट पे हम लोग अभी विचारधारा जो है चित्रकूट की और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्य प्रति में किसी न किसी श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी श्रद्धालु आते हैं जो कई चीज़ों से परिस्थितियों से गुजर रहे, तो चित्रकूट आए उन्हें कोई संकट आ जाता है, तो मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि यदि आपको कहीं पर भी है, अगर मेरे चैनल से आप जुड़े हैं या देख रहे हैं वीडियो तो मेरा नंबर ऑलरेडी इसमें पड़ा रहता है, तो जो भी सहयोग हो छोटी सी मतलब सहयोग कह सकता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, बहुत सारा मतलब ये नहीं कि किसी विशेष रूप में, लेकिन छोटे छोटे जो परिस्थितियाँ हैं उनके साथ हम लोग मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार चित्रकूट धाम की, कामतानाथ महाराज की, राजा रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, जय जय श्री सीताराम।